एक एक पत्नी 500 ग्राम सोना रख सकती है ये नियम फारूक अब्दुल्ला साहब ने करवाया होगा तो पा, सौ ग्राम सोना रख सकती है तो चार बीवियाँ वैसे 2016 का सबसे बड़ा जुमला क्या था 2016 का सबसे बड़ा जुमला था अरे कुछ गुंजाइश है क्या कुछ चांस है हमारे अपने ही नहीं बदले अभी तक वैसे इस साल बहुत सर्दी पड़ने वाली है सर्दी इसलिए पड़ेगी कि अच्छे अच्छे लोगों के नोटों की गर्मी खत्म हो गई है सर्दी बहुत जबरदस्त होगी अभी रामदेव की बात कर रहे थे बाबा जी की कल आए भी थे मैंने उनको हंसाया भी था वैसे आज एक बहुत बड़ा दिन है जिसको हम लोग मिस कर रहे हैं मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ उसकी मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूँ बधाई देता हूँ आज सलवार दिवस है आज ही के दिन रामलीला मैदान में बाबा रामदेव याद आ गया क्या नोटबंदी पे फारूक साहब मैंने नेताजी से मुलाकात की उनके जन्मदिन पे गया नेताजी मुलायम सिंह जी उनको प्रणाम करके मैंने कहा कि मुलायम सिंह जी पाँच सौ रुपये और हज़ार के नोट बंद हो गए हैं तो इस पर आपके दिमाग में क्या चल रहा है कुछ तो चल रहा होगा वो बोले हावय आखिर आखिर आखे हा का आखिर आखिर सोम का आखिर सिपा शिपा मौत शिपा हा वाकई वाकई हमने नेताजी कुछ समझ में नहीं आ रहा बस यही चल रहा है <laughs> लेकिन इस नोटबंदी के फैसले से मोदी जी के इस फैसले से एक बात अच्छी हुई कि मोदी जी ने मनमोहन सिंह को बोलना सिखा दिया और 10 मिनट तक लगातार बोले अब वो 10 साल ना बोले तो कोई बात नहीं जैसे ही वो 10 मिनट बोल चुके अहमद पटेल ने मैडम से कहा मैडम ये बोल लिए अब इनको कबाट में रख दें एयर इंडिया एयर इंडिया तो पैसे ले रहा था पुराने नोट पे काफी लोगों ने टिकट बनवाए और चल रहा था एयर इंडिया की खासियत है लोग उसका मजाक उड़ाते थे प्राइवेट एयरलाइंस में जाते थे लेकिन प्राइवेट एयरलाइंस तो बंद होने लगी विजय माल्या भाग गए किसी ने बताया विजय माल्या भागा हो भले ही लेकिन कैलेंडर तो उसका इस बार भी छपेगा 2017 में लेकिन इस बार उसमें मॉडल्स नहीं होंगे इस बार उसमें होंगे बैंक के चेयरमैन जनवरी का पेज खोलेंगे जनवरी का पेज खोलेंगे तो आई के चेयरमैन फरवरी एच डी एफ सी मार्च आईसीआईसी वो वो होगा जरूर होगा अब भी होगा लेकिन एयर इंडिया दुनिया की पहली एयरलाइंस है जिसके अंदर आपको मां का प्यार मिलता है जितनी डांट मैंने एयर इंडिया में खाई है मेरे माँ बाप ने इतना कभी नहीं डांटा जरा सा लेट हो जाते थे एयर ऑसेस अब आए अनेक टाइम के कहां रह गया ये पायलट तुमको ढूंढ रहा है लेकिन एयर इंडिया जैसा अनाउंसमेंट कर सकती है दूसरी एयरलाइंस को सौ साल लगेगा ऐसी प्रैक्टिस कराई है पता नहीं छाती से बोलती है एकदम हंस की आवाज में एंड विमान एंड विमान ए आई वन वन नॉर्थ विवा हाँ। जो लोग मुझे छोड़ने गए तो वो भी घुस गए बोले नहीं कोई चीज है अंदर नहीं नहीं मुझे देखना है और एयर इंडिया में पैसेंजर मेरे बगल में बैठा हुआ था मुझे के बोला राजू भाई पानी चाहिए था हमने घंटी बजाओ। सुना मारती है हमने कहा नहीं पहली बार तो दे देती है। जानते हैं। जानते हम एक गिलास पी चुके सामान एक बंदा रखने लगा पीछे वहां का रख रहा वहां का रख रहा सामान? तो का है सामान बिजनेस क्लास तो कहा रखे बुआ वही प्राइवेट एयरलाइंस में आप इंटर करिए जो वेलकम होता है ऐसा लगता है टेक ऑफ हो चाहे ना हो आप अंदर आ रहे हैं कहां रह गए थे हम लोग कितने परेशान हो गए थे नो प्रॉब्लम फॉलो मी पैसेंजर गोद का बच्चा फेंक के पीछे जाता है बोलता है, सुनीता पकड़ी तो होते रहते हैं बिजनेस क्लास का कर्टन बिजनेस क्लास का कर्टन जैसे ही एयर हॉस्टेस बंद किया वो पैसेंजर बोलता है अब औरतें नहाने जा रही हैं खिड़की की ओर देख के बोल भैया देखो जहाज कितना ऊपर आ गया है आदमी चीटी बराबर दिख रहा है हमने कहा टेक ऑफ नहीं हुआ चीटी है अच्छा मुझे मालूम नहीं था कि जापानी लोग ओवर रिएक्ट करते हैं छोटी सी बात पर ऐसा चेहरा बनाएंगे ऐसा चौंकेंगे शायद उन्होंने आपकी जेब में शायद बॉम देख लिया है मैंने सिंपली पानी मांगा घंटी बजाई हमने एक्सक्यूज मी आई वॉन्ट वॉटर वाटर? हमने कहा इतना लफड़ा है तो कैंसिल करो मेरा नवरात्रि व्रत चल रहा है मैं निर्जला हूं मैं रविशंकर प्रसाद जी से अनुरोध करूंगा कि वो जेटली जी और प्रधानमंत्री जी से निवेदन करें कि सालियों के लिए सवा लाख तो करें क्योंकि साली आधी घर वाली है ठीक है पैगाम पहुंचा दिया मैंने अच्छा उधर ही से जी माइक माइक दो माईग दो कोई खतरनाक आदमी है <laughs> राजू भाई नोटबंदी के अगले ही दिन मैंने सुना कि आप लखनऊ गए थे और वहाँ पे पेमेंट तो लिया ही होगा खैर आपने क्योंकि लखनऊ महोत्सव था हाँ, चेक से तो मैंने सुना है कि <laughs> तो वहाँ पे मुलायम सिंह जी से आपकी मुलाकात हुई थी ये आपने ही कहीं पे कहा था तो मुलायम सिंह जी ने, आ, वो, बोल दो, बता दो कैसे बोले फिर वो आपको नोट कैसे दिए उन्होंने आपको वो तो मैंने बताया अभी लेकिन आ, उनके एक भाई हैं शिवपाल और कैसा चल रहा है, है? ठीक है अच्छा। नोटबंदी का है चल रहा है, है? मायावती के क्या भी हैं वो भी हार चेक करवाने हैं मगर चेक कैसे करवाए सबके यहाँ हैं हमेशा मैं एक मिमिक्री आर्टिस्ट पहले हम लोग मिमिक्री आर्टिस्ट थे अब हम लोग की तरक्की हो गई अब हम लोग स्टैंड अप कॉमेडियन हो गए पहले तो हमें ये लफ्ज़ ही नहीं पता था बाद में इन लोगों से पता चला तो अमिताभ बच्चन की बहुत मिमिक्री की अभी नोटबंदी पे दिलीप कुमार और राजकुमार बात कर रहे हैं राजकुमार बोलते हैं यूं चलते थे कई लोग डाउट होता था शायद उनके शू में एक में हील नहीं है विक्रम सिंह विक्रम सिंह नोट तो हम भी बदलवाएंगे लेकिन हम में और तुम में एक फर्क है हम जब नोट बदलवाएंगे, वो वक्त भी हमारा होगा बैंक मैनेजर भी हमारा होगा बैंक भी हमारा होगा और बैंक की जमीन भी हमारी होगी अब दिलीप कुमार का जवाब अच्छा बैंक भी तुम्हारा होगा और जो है वक्त भी तुम्हारा होगा बैंक मैनेजर भी तुम्हारा होगा कमाल करते हैं आप कमाल है और हम जो एटीएम के सामने छह घंटे से खड़े हैं हम क्या पागल हैं? <पागल> कुछ भी कर ले विक्रम सिंह कुछ भी कर ले अगर तुमने इलीगल नोट बदलवाए या दूसरों के अकाउंट में पैसे डलवाए ये नरेंद्र मोदी तुझे छोड़ने वाला नहीं है कुछ भी कर ले, अदरक सुना तुमने सुना तुमने बोले हाँ, पैसे वापस लो। दीवार फिल्म के मैं कई डायलॉग बोलता आया हूं क्योंकि मैंने हमेशा बताया है, मेरी जिंदगी की पहली फिल्म थी जो मैंने देखी घर से अलाउ हुआ देखने के लिए पहले तो ये था पढ़ाई करो पढ़ाई करो अच्छे नंबर आएंगे तब देखना तो दीवार फिल्म के एक सीन को नोटबंदी से जोड़ के देख रहा हूं अभी श्वेता ने कहा दोनों भाई ब्रिज के नीचे मिलते हैं शशि कपूर अमिताभ अमिताभ भाई रवि तुमने मुझे अचानक तुमने मुझे अचानक इस ब्रिज के नीचे क्यों बुलाया कमाल करते हैं भाई <laughs> तुम्हारे उसूल तुम्हारे दर्श तुम्हारे उसूलों को गोद के एक वक्त की रोटी नहीं बनाई सकती रवि इधर 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 देखो इधर एक वही तुम हो एक वही हम हैं। हम दोनों इसी ब्रिज के नीचे से पड़े हुए हैं। आज तुम कहा रह गए मैं कहा पहुंच गया आज मेरे पास बंगला है गाड़ी है बैंक बैलेंस है प्रॉपर्टी क्या है तुम्हारे पास मैंने पूछा क्या है तुम्हारे पास मेरे पास नए वाले नोट हैं वो भी पांच सौ के और सौ के आह मोहब्बत का सफर लंबा है तो क्या हुआ मोहब्बत का सफर लंबा है तो क्या हुआ थोड़ा तुम आगे बढ़ो थोड़ा हम आगे बढ़े थोड़ा तुम आगे बढ़ो थोड़ा हम आगे बढ़े बाद में रिक्शा कर लेंगे आह महंगाई की मार से भैया सुख की आस गई है आम आदमी के मन की बात कर रहा हूं मैडम आप समझ रही हैं ऐसे ऐसे कर रही है? समझ रही वेरी गुड महंगाई की मार से भैया सुख की आस गई है उधार मांगने लक्ष्मी मैया खुद राजा और गटकरी के पास गई है एक सांप ने एक भ्रष्ट नेता को डसा एक सांप ने एक भ्रष्ट नेता को डसा नेता को कुछ नहीं हुआ सांप चल बसा आ पिछले दिनों जब उत्तर प्रदेश में चुनाव आए अखिलेश सरकार गवर्नमेंट बनी समाजवादी पार्टी की उससे पहले की बात बता रहा हूँ तब हमने आप ही के चैनल में देखा न्यूज़पेपर में पढ़ा कि बड़े बड़े नेता वोटर्स को लुभाने के लिए गरीब के झोपड़े में रात गुजारते थे किसी गरीब के झोपड़े में नेता लोग रात गुजारते थे वोट बैंक के लिए तो ऐसे ही रात को दो बजे पुलिस साहब ऐसे ही रात को दो बजे एक गरीब के झोपड़े में दस्तक हुई बुढ़ी निकल के आई अरे को है कौन खटखटा रहा अरे अम्मा देखो बहन जी आई है ये तुम्हारे झोपड़े में रात गुजारेंगी अरे तुम्हारी बहन होंगी हमारी बहन के मारे दस बारह साल हो गए नहीं अम्मा ये मायावती जी हैं तुम्हारे झोपड़े में रात गुजारेंगी अरे भैया गरीब का घर गर है हमारे चार पाई एक है उमर राहुल गांधी पहले से लेते हैं <laughs> अरे अम्मा तू मायावती जी को मना कर रही हो मायावती जी को मना कर रही हो चटाई ले आओ चटाई ले आओ चटाई ले आंगन में लेट जाएंगे चटाई ले आओ। चटाई भी तो एक है अडवानी लेटे हैं <laughs> किसी ने बहन जी से कहा बहन जी सोना बहुत जरूरी है इस बुढ़िया के घर में मीडिया चारों तरफ है और तीन दिन बाद ही वोटिंग है आप छत पकड़ लो छत सीढ़ी सीढ़ी से चढ़ जाओ छत जरूर खाली होगी अब सीढ़ी को एक तरफ से सतीश मिश्रा ने पकड़ा एक तरफ से नसीमुद्दीन ने बहन जी सीढ़ी चढ़ी रही थी कि छत से आवाज आई समाजवादा अब हवा पर लेता अब हाँ यहाँ, यहाँ पर आयम खान ले आयम खान ले तो हवा भाई शिपा रहते रा, राम राम गोपाल राम गोपाल थे बे जी हमारे अखरे हमारे बहु बहु रहते दिब्बत कन्नौ कन्नौ के हमारे बहु रहते हमारे परिवार ने इस बार समय रहते पूरी जगह छेंक ली है इस बार किसी बहन जी की और बुआ की आवश्यकता नहीं है बहुत बहुत धन्यवाद गब्बर के बहुत सारे एक्ट मैंने किए कि गब्बर बूढ़ा होता तो कैसा होता गब्बर भुलक्कड़ होता तो कैसा होता गब्बर पे बहुत सारे मैंने स्किट किए हैं अभी किया था कि अगर गब्बर सिंह का रोल करते लालू प्रसाद लालू जी अगर गब्बर का रोल करते तो शोले में उस सीन कैसे होता गब्बर सिंह घूम रहे हैं लालू जी ए कालिया देखो मच्छरवा के हे मोटू देख। इधर खड़ा पगलवा उधर देख रहा तोरे से पूछ रहे है कोई बताओ हम ग्रुप के सरदार हैं इसको ना मालूम नहीं बुर्बक को ए कालिया अरे कितने आदमी थे सरदार दो आदमी एक बसंती का आदमी था दूसरा ऐश्वर्या का ससुर था का गोल गोल बोल रहा है सीधे बोलो अमर सिंह के मित्र रहे होंगे ए सांभा सुकड़ा देखो एक हड्डी के ऊपर बैठता ऊपर बैठता का चील का हुआ दोस्ती हो गया अरे रपट पड़े गिर पड़े अस्पताल का खर्चा हमें देना पड़ेगा का ऊपर बैठता है? अग अग। अच्छा वो सब छोड़ो अरे कितना जुर्माना ठोके है सरकार हम पर चारा घोटाले के लिए पूरे दो हजार करोड़ मगर अभी तक आप भरे नहीं हैं हम भरे हैं, नहीं भरे हैं तौर तो पूछा है नेतागिरी करते हो और ये दो हजार करोड़ का जुर्माना हमारे ऊपर है लिए है यहाँ से पाँच सौ पाँच सौ कोस दूर गांव में जब गाय का बच्चा भैंस का बच्चा चारा नहीं खाता है उसकी माँ कहती खा ले नहीं तो लालू जी खा डालेंगे थैंक यू थैंक यू मीडिया न्यूज ढूंढते ढूंढते कभी मैंने देखा इतना निर्दयी हो जाता है मेरी बात से आप इतफाक रखेंगे कोई आदमी पानी में डूब रहा है उसको बचाएंगे नहीं उसके मुंह पे माइक डाल के बोलते इस समय आपको कैसा लग रहा है एक आदमी बम विस्फोट से बच गया किसी तरह से बम विस्फोट हुआ और बच गया हॉस्पिटल में उसको खुद को यकीन नहीं हो रहा है ऐसा हाँ हाँ हाँ, हाँ 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 उसको विश्वास नहीं हो रहा कि मैं बच गया हूं मीडिया वालों ने सोंग लिया पहुंच गए उसका इलाज होने से पहले अच्छा वो जो बम फटा तो क्या एकदम से फटा आपके बगल में जो बम गिरा तो क्या जोर का धमाका हुआ नहीं एकदम से थोड़ी फटा पहले बम मेरे बगल में आया फिर थोड़ा सा शर्माया और फिर थोड़ा लजाया और फिर धीरे धीरे लुढ़कते लुढ़कते मेरे नजदीक आया और फिर शर्मा के बोला माफ कीजिएगा मैं बम हूँ, और आप बुरा ना माने तो फट जाऊं तो मैंने कहा आ गए हो तो फटी लो तो बोले हो जाए तालियां हो जाए अपने देश में दो तरह के सरदार होते हैं एक जो कुछ नहीं करते और दूसरे जो सीधा प्रधानमंत्री हो जाते वो बात अलग है कि वो भी कुछ नहीं करते मीडिया की बात कर रहा था ये तो मैंने ताज़ा विस्फोट का कुछ सोचा था तो बताया एक मेरा बहुत पुराना आइटम है जिन्होंने देखा तो उनके लिए रिपीट हो रहा होगा पहले दूरदर्शन वाले फ़ौरन पहुंच जाते थे जब ऐसी कोई घटना होती थी बाढ़ आ गई या कुछ ऐसा आ गया और जब बात करते थे किसी से इंटरव्यू लेते थे तो कैमरे की आवाज़ भी आती थी पता नहीं कैमरे की होती थी या माइक की टेक्निक डिपार्टमेंट बताएगा अब बाढ़ आई है गांव पानी में डूबा हुआ है अब वहाँ पर ये इंटरव्यू ले रहे हैं हेलो हेलो आप ही बताइए ये जो बाढ़ आई है आ, आपका कोई नुकसान हुआ हाँ बताइए बताइए हाँ बोलिए हाँ बताइए हाँ बोलिए हाँ बताइए हाँ बोलिए अब पहली बार आदमी टीवी के सामने उसकी घबराहट साहब हम लोग ऐसे रात को बैठे थे हाँ हम लोग रात को बैठे थे हम, हम, हम शुक्ला मनोहर मिश्रा यादव पुत्तन छुट्टन और मनोहर हम लोग बैठे थे गजोधर भैया बैठे थे हम लोग खानी नहीं खा रहे थे ऊपर से देखा पानी का आया तो मिश्रा से बोले हमका देखो तो पानी बरस रहा बोले नहीं नहीं ऊपर से कोई थूका है तो हम बोले बहुत ज़्यादा आ रहा है बोले हाँ हाँ मिल के थूक रहा है फिर साहब बहुत पानी बरसने लगा पानी धीरे धीरे पूरे गांव में फैल गया साहब पानी धीरे धीरे दिर बढ़ना शुरू हो गया हमें धोती में घुसना शुरू हो गया धीरे धीरे जैसे पानी धीरे धीरे ऊपर बढ़ता रहा तो बहुत गुदगुदी लगता रहा साहब देखते थे बाढ़ पानी हो गया पानी हमारी बुढ़ी माँ डूब रही थी हमारी बीवी डूब रही थी गाँव वाले बोले बुढ़ी माँ को बचाओ तो आई जवान बीबी को तो कोई ना कोई बचा ही लेगा उसके बाद टीवी वालों ने एक महिला से पूछा हेलो आप बताइए जो बाढ़ आई है आ, आपका कोई नुकसान हुआ हाँ बताइए ऐसा है भैया हमारा जितना सामान वहा खो गया रहा सामान वहां तो मिल गया है भाई हमारे आदमी नहीं मिल रहे हैं अच्छा अच्छा दिखने में कैसे थे बताइए हम ढूंढेंगे दिखने में एकदम हीरो लंबे चौड़े लंबाई छह फुट दो चौड़ी छाती घुंघराले बाल एकदम गबरू जवान दूर से देखे तो अक्षय कुमार उसकी सहेली बोली भौजी झूठ क्यों बोल रही हो तुम्हारे आदमी तो बुढ़े और गंजे हैं ना आए चुप रहो ये लोग ढूंढेंगे तो अच्छा ढूंढेंगे <laughs> जिस कंस्टिट्यूंसी से जिस क्षेत्र से कोई बड़ा मिनिस्टर बनता है कैबिनेट मंत्री होता है तो कम से कम उसके क्षेत्र में पानी की व्यवस्था सड़क अच्छी होती बिजली की व्यवस्था अच्छी होती है चाहे और जगह ना हो मैं कानपुर का हूं तो कानपुर की बात करूंगा कई दिनों के बाद जब बिजली आई कई दिनों के बाद जब बिजली आई तो मैंने कहा कैसी हो हवा हवाई <laughs> बोली आजकल मौज में हूँ आपको तो पता ही मैं कन्नौज में हूँ <laughs> आजकल मौज में हूँ आपको तो पता ही मैं कन्नौज में हूँ <laughs> मैंने कहा इटावा का क्या हाल चाल है <laughs> तो सर पे पल्लू रख के बोली वहां सब ठीक है वहां तो हमारी ससुराल है हमने कहा लखनऊ वाले क्यों ऐठे हैं बोली क्या बात कर रहे हैं वहां तो हमारे वो बैठे हैं तो मैंने कहा कानपुर वालों को क्यों भुना है कानपुर बिजली नहीं आती कानपुर वालों को क्यों भुना है गलती आप ही लोगों की है कोयला मंत्री श्री प्रकाश आप ही ने चुना है बहुत धन्यवाद अभी आ, पिछली दिवाली में एक कॉमेडी एक्ट नया सोचा था दिवाली के दौरान आप अपने स्टाफ को अपने मित्रों को गिफ्ट भेजते हैं और बहुत सारे लोग गिफ्ट बख्शीस मांगने आते हैं चाहे पोस्टमैन हो चाहे आपका दूध वाला हो सब्ज़ी वाला हो ड्राइवर हो आप उन्हें बख्शीस देते हैं तो मैंने सोचा ये अलग अलग लोग अगर डिफरेंट लोगों के पास जाएंगे बख्शीस मांगने तो क्या बातें हो सकती हैं अब मैं मीडिया से अलग बात कर रहा हूँ क्योंकि अभी मंच पे फिल्म और टीवी के कलाकार भी थे इसलिए मैं फिल्मी बात भी करने जा रहा हूँ तो दीपावली वाला आइटम सुना रहा था कि अगर डिफरेंट कैरेक्टर्स कुछ एक्टर के पास जाएंगे दिवाली बख्शिश मांगने तो क्या बात हो सकती है पोस्टमैन पोस्टमैन दिवाली मांगने पहुँच गया नाना पाटेकर के पास नमस्कार साहब नमस्ते सर सर मैं पोस्टमैन दिवाली है ना साहब दिवाली दिवाली बख्शिश नाना अच्छा है बहुत अच्छा है दिवाली अच्छा है पोस्टमैन अच्छा है लास्ट टाइम कभी चिट्ठी डाला था बोल बोल कभी चिट्ठी लेकर आया था बोल बता बता आजकल चिट्ठी लिखता कौने भेजता कहने बता बता मेरा कोई फैन मिल नहीं आता मेरा कोई फैन है नहीं बता पता का क्या एक है क्या है तू तो आजकल इंटरनेट का जमाना नेट का जमाना लोग एक दूसरे ईमेल फीमेल भेजते बता बता का तू तो, बता बता तेरे को मालूम एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना देता है वो मच्छर मेरे पास है मैं तेरे ऊपर फेंकता हूँ वो भागा बोले दिवाली बख्शिश मत दो मगर मुझे हिजड़ा नहीं बनना पोस्टमैन पहुंच जाता है दिलीप कुमार के पास दिवाली बख्शिश मांग साहब पोस्टमैन दिवाली जो दिवाली है कमाल का त्योहार है ये सुना है आपने सुन रहे हैं आप दिवाली में जो है लोग नए कपड़े सिलाते हैं भगवान राम ने जब रावण का नाश किया और माता जानकी गुल्ले की जो अयोध्या पर थी उसी खुशी में पूरी अयोध्या को सजाया गया था सुना आपने साहब ये मालूम है इसीलिए तो आया हूँ इतना आइडिया है और ये दिवाली जो है इसमें लोग एक दूसरे को बख्शीश देते हैं शक्कर के खिलौने खरीदते हैं मिठाई बांटने के चलन है लोग घर की सफाई भी करते हैं साहब आप दिवाली पे निबंध लिखा रहे हो साहब दिवाली बख्शिश दे दो मैं जाऊं और ये जो दिवाली जो है पोस्टमैन भागा बोले ज्यादा रुकूंगा तो क्रिसमस भी हो जाएगी <laughs> मोहल्ले का चौकीदार पहुंच जाता है अमिताभ बच्चन के पास इस इसमें लास्ट नमस्कार साहब जी नमस्कार साहब साहब नमस्कार साहब दिवाली है शाह जी मैं वो छोटा आदमी मैं छोटा आदमी है मेरी दो छोटी छोटी बीवी -बी है शाह जी दिवाली है दिवाली दे दो शाह जी दिवाली दे दो अरे भैया ऐसा है दिवाली के दिन कोई अगर हमारे दरवाजे खाली जाए ये हमें बिल्कुल पसंद नहीं, नहीं। अरे भैया कैटबरी लाइए कैटबरी लाइए मुंह खोलिए ये लीजिए कुछ मीठा हो जाए हैप्पी दिवाली आए शाह आप तो बहुत कंजूस है बहुत महंगाई है बहुत महंगाई शाबजी कुछ दिवाली दे दो दिवाली अरे भैया खोपड़िया में दर्द है यहाँ ये ये लीजिए ठंडा ठंडा कूल कोल खोपड़िया रहेगी तंदुरुस्त नूरानी तेल शाह आप मजाक मत करो शाहजी दिवाली है शाहजी दिवाली अरे पेट में गड़बड़ है ये लीजिए डाबर का हाजमोला पेट होगा तंदुरुस्त शाह बहुत विज्ञापन किया है फिर आप हमको सीमेंट भी खिलाएगा आपको विज्ञापन के सिवा कुछ भी याद नहीं है अरे याद से याद आया तीस दिसंबर ना भूलिएगा पल्स दो बूंद जिंदगी के लिए आए ये दिवाली में कुछ भी नहीं मिलेगा अरे कुछ भी नहीं मिलेगा सन 2012 की दिवाली में आपको क्या मिलना चाहिए आपके ऑप्शंस ये रहे ए, किलो काजू बादाम बी पिछले साल के जले हुए पटाखे सी ग्यारह रुपए के चेक टीडीएस काट के या फिर डी घर के पुराने कपड़े सुना था मगर देख भी लिया बहुत कंजूस है ठीक है शाबजी, ए काजू बादाम ओके तो एक काजू बादाम पे ताला लगा दे शाप ताला लगाएगा तो कैसे देगा खोल दो शाबजी। ओके तो एक काजू बादाम जो है ओ, ओ समय समाप्ति की घोषणा अफसोस इस साल आप कुछ भी नहीं ले पाए अगले साल फिर ट्राई कीजिएगा मैं यहीं पर मिलूंगा मैं बैठे बैठे ये सोच रहा था कि भगवान राम के जमाने में कृष्ण जी के जमाने में अगर ये न्यूज चैनल्स होते तो हम लोग ने जो कुछ पढ़ा है पढ़ने को नहीं मिलता वो सब टेलीविजन में ही लोग देख लेते किस तरह से बातें होती हैं अगर उस जमाने में न्यूज चैनल होता इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पंचोटी के जंगल से आ रही है जहां अभी भी पता चला है कि महिला के नाक कान काट दिए गए आइए आपको सीधा हम लिए चलते हैं मौका है वारदात और देखते हैं पूरा मामला क्या है आ, आ, राहुल क्या मामला है ये कौन थी महिला उस युवक ने इसके नाक कान क्यों काटे हैं हेलो 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 हाँ हेलो आवाज़ आ रही हाँ हेलो हाँ, हाँ ये ये पहली महिला है जो बिना पासपोर्ट के श्रीलंका से आई थी और ये आके भगवान राम को छेड़ने लगी राम ने दहर पूर्वक उसको बर्दाश्त किया लेकिन लक्ष्मण जी से बर्दाश्त नहीं हुआ तो लक्ष्मण ने अपनी खुखरी निकाल के इसके नाक कान काट दिए हैं ये महिला का नाम सुपनखा बताया जा रहा है और इसका ताल्लुक बाहुबली परिवार से है इसके भाई का बहुत बड़ा टेरर था तो वो खुखरी खुखरी जिससे नाक कान काटे गए खुखरी ढूंढने के लिए श्रीलंका की पुलिस आई थी यहाँ सारे नाली में गटर में खुखरी ढूंढी जा रही थी खुखरी तो नहीं मिली लेकिन यहाँ के निवासी इस बात से बड़े प्रसन्न हैं कि इस बहाने यहाँ के नाले और गंदगी साफ हो गए अब आइए आपको हम श्रीलंका लिए चलते हैं और देखते हैं कि इसके परिवार में क्या रिएक्शन है और इसके भाई साहब वो आगे की क्या रणनीति बना रहे हैं दीपक आप इस वक्त श्रीलंका पहुँच गए अभी तक क्या रावण से मुलाकात हुई तू कर ले मुलाकात रावण से खुद स्टूडियो में बैठे बैठे बोलता रहता है यहाँ चले जाओ वहाँ चले जाओ कहाँ चले आए यार हम, या आखिरी रिपोर्टिंग ना हो यहाँ सर कटे आदमी घूम रहे हैं अभी अजंता मेडिस के चाचा मिले थे जय महिला आप आप जय महिला वर्धन फैमिली से हो अच्छा अच्छा मौसेरे भाई हो अच्छा 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 सब रावण की फैमिली के लोग मिल रहे हैं यहाँ पर अभी ये मेरे बगल में तीन आदमी खड़े थे अब दो रह गए हैं इन लोगों ने एक को खा लिया है अभी तक क्या केके से बात हुई केके से अभी ये केके कौन कुंभकर्ण हाँ मैंने केके से केके से बात हेलो कुंभकर्ण जी बताइए जब आपकी भतीजी के नाक कान काटे गए तो ये तो सोने में लगे हुए हैं इनका एक ही सिद्धांत है किस किस को याद कीजिए किस किस को रोइे आराम बड़ी चीजें मूढ़ के सोइए इनके सोने से सिद्ध होता है कि श्रीलंका को सोने की लंका क्यों कहते हैं आप रावण से बात करने की कोशिश कीजिए रावण से हाँ कोशिश कर रहे हैं कमी ने हाँ मैं मैं उनके इस वक्त प्रतीक्षालय में बैठा हूं अभी दो राक्षस ने आई थी दो बाल्टी खून देके गई हैं कह कि जब तक वो तैयार हो रहे हैं तब तक आप सूप समझ के पीते रहो हाँ है? मैं, मैं अपने आप को जरा तैयार कर लूं हाँ रावण जी हल मैं लंकेश हाँ 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 हा, मैं ब्रह्मा मैं विष्णु मैं महेश हाँ हाँ हा, मौत मेरी पार्टी में हाँ हाँ हा, वो तो सबको पता है आपसे भी बता दीजिए मैं चला जाऊँ एक कोई अच्छी टैग लाइन दे दीजिए मैं निकल जाऊँगा मैं खुद ही नहीं रुकूंगा ज़्यादा आपसे भी इतना बता दीजिए आपकी जो सिस्टर हैं उनके जब नाक कान काटे गए तो आपको पता कैसे चला उस वक्त मैं तुम्हारा ही चैनल देख रहा था आज तक आज तक से मुझे पता चला कि मेरी बहना के नाक लक्ष्मण ने काट बस बस मेरा काम हो गया आप जाओ भाड़ में दोस्तों आपने देखा सबसे तेज चैनल आज तक देखते रहिए थैंक यू थैंक यू नो डाउट बाबा रामदेव जी की वजह से योगा बहुत लोकप्रिय हुआ हिंदुस्तान में ही नहीं पूरी दुनिया में और बहुत सारे लोग निरोगी हुए स्वस्थ हुए लेकिन आप ही का काम मैं भी कर रहा हूँ हंसाने का काम लोग बोलते हैं हंसाने से भी लोग डॉक्टर से दूर रहते हैं हाथ से जी एक साहब बाबा जी से इतने प्रभावित हुए योगा शुरू कर दिया बाबा जी का जहां भी शिविर हो शिविर में पहुंच जाएँ वहां भी अटेंड करें आलोम अनुलोम प्राणायाम शीर्षासन सब कुछ करते थे सुबह भी करते थे शाम को भी करते थे बाद में डीवीडी खरीद के लाए बाबा जी की डीवीडी से भी करते थे डीवीडी देख के करते थे उनकी उम्र हो गई अस्सी साल और उन्होंने तन्मयता से किया नब्बे साल के हो गए हंड्रेड ईयर्स के हो गए योगा करते हुए एक सौ पांच साल एक सौ छह साल के जब हो गए तब तो मृत्यु लोग को पाए ऊपर पहुंच गए मरने के बाद स्वर्ग में जैसे ही गए स्वर्ग का नजारा देखा आ चारों तरफ खुशबू खुशबू परियां परियों ने वेलकम किया वेलकम करके ले गई सेज सजी हुई है फूलों की छप्पन भोग तैयार हो रहा है मिष्ठान की खुशबू आ रही है चारों ओर आनंद ही आनंद शांति शांति उस आदमी को बड़ी खुशी की अनुभूति हुई तब उसने ऊपर से नीचे मृत्युलोक की तरफ देख के कहा बाबा जी आपके चक्कर में बहुत लेट हो गया <laughs> <laughs> मैं शिविर में गया योग शिविर में वहाँ पर बाबा जी सिखा रहे थे और ये सिखाते सिखाते बीच बीच में आ, अच्छी अच्छी बातें भी करते हैं देश प्रेम की बातें भी करते हैं जो मुझे बहुत आ, प्रेरित करती हैं बड़ा अच्छा वहाँ पे वात, वातावरण हो जाता है और तो बाबा जी एक दो योग सिखाने के बाद बोले ए! ए! यहाँ पर कोई है जिसे कुछ कहना है? ए! कोई कुछ कहना चाहता है ए, ए, ये ये हमारी बहन कुछ कहना चाहती है इनको माइक दो माइक दो हाँ बहन बाबा जी मैं नागपुर से आई हूँ और मैं अपने पति को लेके आई थी कि मेरे पति की शराब पीने की बुरी लत है बहुत शराब पीते हैं दारू बहुत पीते हैं तो आपने कहा था इनको शीर्षासन कराओ शराब छूट जाएगी हाँ तो शीर्षासन से फायदा हुआ क्या फायदा हुआ अब तो शीर्षासन में तीन चार बोतल पी लेते हैं <laughs> धन्यवाद एक महिला योगा देख के बाबा जी को टीवी पे देख के यूं यूं नाखून ऐसे से कर रही है ऐसे कर रही है उसको बताया गया ऐसे करने से बाल बाल उगाते हैं यूं कर रही है कुछ दिनों बाद देखा तो यूं यूं नहीं कर रही है यूं यूं कर रही है लोगों ने बोला चेंज क्यों कर दिया अरे ऐसे ऐसे करते थे मूछ के बाल निकल <laughs> मुझे उत्तराखंड बाबा को देख रहा हूं उत्तराखंड याद आ रहा है उत्तराखंड में बहुत बड़े नेता हुए हैं बहुत ही बुद्धिजीवी वरिष्ठ आदरणीय एनडी तिवारी साहब एनडी तिवारी से जैसे ही डीएनए जांच के लिए तिवारी साहब ने जैसे ही ब्लड दिया दिया क्या? जैसे ही उनसे ब्लड लिया उनके बेटे को बधाई आने लगी चारों तरफ से लोग मुबारकबाद दे रहे हैं। मुबारक हो आपके घर बाप हुआ है तिवारी जी मुझे एक फंक्शन में मिल गए मैं बड़ी हिम्मत करके गया उनके पास चरण स्पर्श किए मैंने कहा तिवारी जी देखिए इस उम्र में अब आप आपको कुछ अचीव तो करना नहीं है और आपका कोई कैरियर भी बिगाड़ भी नहीं सकता अब आप आपको कोई क्या बिगाड़ लेगा और आपको अब जीवन में अब क्या चाहिए सब कुछ तो मिल गया एक लड़का जो परेशान है जो आपको अपना पिता बता रहा है दर दर भटक रहा है चैनल चैनल घूम रहा है कोर्ट कचहरी चक्कर खा रहा है उसको आप एक्सेप्ट कर लीजिए स्वीकार कर लीजिए आपका क्या बिगाड़ेगा आपके पास इतनी संपत्ति भी है ज्यादा ज्यादा एक टुकड़ा लेगा और क्या करेगा इस उम्र में आप एक अच्छा पुण्य कर जाइए स्वीकार कर लीजिए तिवारी जी बोले नहीं उसको स्वीकार करने में तो कोई दिक्कत नहीं है मगर दिक्कत यह है कि अगर एक को स्वीकारा तो चार पांच सौ खड़े हो जाएंगे चुनाव जब आते हैं तो प्रत्याशियों में मुझे निर्दलीय प्रत्याशी बहुत अच्छे लगते हैं निर्दलीय एकदम सीधे सरल होते हैं पार्टी नहीं कुछ नहीं अकेले घूम रहे हैं मीटिंग हो रही कोई नहीं सुन रहा और खुद चलते हैं उनको दो गनर दिए जाते हैं सरकार की तरफ से ये गनर कभी कभी इतना आगे निकल जाता है ये भाग के खुद उनके बीच में चला जाता है मैं हूं मैं, तुम हो मेरे लिए और चुनाव चिन्ह क्या, क्या क्या एक का निर्दलीय चुनाव चिन्ह उसका पतंग तो किसी का फटी पतंग एक ने रखा गोभी तो दूसरे ने रखा पत्ता गोभी खैर भाषण हुए इलेक्शन हुआ वोटिंग हुई और अब रिजल्ट आ रहे हैं रिजल्ट आ रहे हैं अब इस कैंडिडेट को पता है रिजल्ट क्या है तो जानबूझ के ये खुद टीवी के सामने आ ही नहीं रहा है बच्चों से कह रहा है, अरे कुछ और लगा यार। कुल आओ, मैच लगाओ मैच क्या हुआ, मैच लगा लो मैच लगा लो, नहीं नहीं पापा आपके रिजल्ट आने वाले इलेक्शन के हाँ ठीक है रिजल्ट होता रहता है वो तो पिक्चर लगाओ देखो राउडी राठौर आ रही होगी आए पिक्चर लगाओ खैर रिजल्ट आए वो हार गए जमाना जब्त खैर हार जीत होती रहती है दूसरे दिन सुबह सुबह ये कुल्ला कर रहे हैं लोटा लिए तो पड़ोसी सांत्वना देने के लिए आए भाई ऐसा है शर्मा जी आप भले हार गए हो मगर एक बात आपको बताओ हमारे परिवार के सात वोट सात के सातों आपको दिए गए ये गुस्से में बोल चुके निकल जाओ ना ठूक देंगे निकल जाओ निकल बोलिए निकल जाओ भाई ये क्या बदतमीजी है हम कह रहे हैं हमारे परिवार ने सात के सातों वोट आपको दिए हैं दिए पूरा सुन के जाना ऐसा है हमें टोटल चार वोट मिले हैं और हमारी फैमिली में पांच लोग हैं साला कल रात से हमारे घर पे मंथन हो रहा है वो कौन लौंडा हमारा है जो साला खा हमारी रहा है अब वोट कहीं और दे रहा है, धन्यवाद राजस्थान में वैसे जनता ने बीजेपी को बहुत वोट दिए झोले भर के वोट दिए थैला भर के वोट दिया बस जनता ने एक गड़बड़ की, जीएसटी काट ली क्या बात है बैठे भाई साहब ऐसा लग रहा है आप चुनाव में खड़े हैं बैठिए हो गए पांचों राज्य के हो गए जो हंसे उसका घर बसे जो हंसे उसका घर बसे और जिसका घर बसे फिर पूछो कभी हंसे एक्चुअली मध्य प्रदेश राजस्थान और छत्तीसगढ़ में हुआ ये आकलन नहीं कर पाए बीजेपी के नेता के लोग बीजेपी वाले जनता कहती रही बोर बोर और ये समझते रहे वंश मोर और उसी जोश में काम करते रहे बहुत अच्छा लेकिन मैं इस वक्त मुंबई से दुबई से होते हुए यहाँ पहुंचा हूँ और वाया और बहुत ठंडी है हम बम्बई वालों के लिए बहुत ज्यादा ही ठंडी है ठंडी में मैंने एक बात नोट की आप मेरी बात से एग्री करेंगे कभी आप अनुभव करिए ठंडी की खासियत ये होती कि इसमें आपको गर्मी नहीं लगती कभी आप देखिए देखिए आप कभी नहीं गर्मी लगे ये बड़ी बेहतरीन सी बात है पिछले हफ्ते मैं देहरादून से दिल्ली आ रहा था बाइकार जल्दी पहुंचना था किसी कार्यक्रम के लिए फॉग बहुत था धुंध कोरा छाया हुआ ड्राइवर ने कहा भाई साहब रात में चलना ठीक नहीं है सुबह कर खिए कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा पूरा अंधेरा है मतलब कोहरा कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा ठंडी बहुत है खुद नजर नहीं आ रहा कर, लेकिन पहुंचना बहुत जरूरी है तो तुम ऐसा करो धीरे धीरे चलाओ स्पीड स्लो रखना देखो आगे कार जा रही है, 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 तो है, है बैठ गया ठंड में चला रहा है बेदिली से चला रहा है उसने स्पीड ली इसने भी स्पीड ली वो धीरे हुई ये भी धीरे हो गया थोड़ी देर बाद आगे वाली कार खड़ी हो गई अब ये कार से निकल नहीं रहा है ड्राइवर हमने कहा देखो क्या बात है बैठे बैठे पाँ पाँ पी पी पाँ, पाँ पाँ हमने कहा देखो क्यों खली किया देखो यार जल्दी पहुंचना है दिल्ली भागा हेलो भाई साहब अरे गाड़ी क्यों रोक दी अरे बढ़ाइए हेलो बीच में क्यों रोक दी उसमें से एक सरदार जी निकले ब्लैडी फोल नाम से रास्ते में रोक दी के बच्चे तो गड्डी फॉलो करते करते मेरे बंगले में घुसाया मैं अपने बंगले में गाड़ी पार्क भी नहीं करूं। <laughs> लेकिन दोस्तों मेरा मानना है कि जिंदगी सिर्फ कॉमेडी से नहीं चलती जिंदगी में गंभीरता भी चाहिए सीरियसनेस भी चाहिए इसलिए हमेशा मैं हाथ जोड़ के कहता हूं करोगे प्यार अगर सीता से तो राम हो जाओगे करोगे प्यार अगर राधे से तो घनश्याम हो जाओगे और करोगे प्यार अगर जबरदस्ती तो कसम से आशाराम हो जाओ। ईवीएम so, ईवीएम की चिंता सबसे ज्यादा मैंने की है ईवीएम एक बेजुबान प्राणी है जिसने जो चाहा उसको कोसा उसमें लाछन दी कभी किसी ने सोचा ईवीएम की अंतरात्मा क्या कहती है ईवीएम बेचारी क्या सोचती है इन पॉलिटिकल पार्टी के बारे में ईवीएम से मेरी बात हुई इस चुनाव के बाद ईवीएम मुझसे बोली भैया पांच छह साल से देख रहे हमरे ऊपर लांछन लगा रहे जो मन में आ रहा गाड़ी दे रहा है कोस रहा है कोई कुलछनी कह रहा है कोई दोगली कह रहा है कोई कह रहा है दूसरे से मिली भैया बच्चा हमारे मजाक उड़ा रहे हमार मजाक उड़ा रहे हैं जे का जवाब नहीं मिल रहा है अपनी हार का जवाब नहीं दे पा रहे तो हमारे भरोसे हमारे ऊपर ठिकरा रहे बच्चा हमारे ऊपर चुटकुला बना रहे हैं कह रहे हैं परमाणु बटन परमाणु बन का बटन जब दबावा चाहिए वह वोट बीजेपी में कह लगे बच्चा गीजर का बटन ना दबाओ नहीं तो वोट बीजेपी का चाहिए ऐसा इस मजाक बच्चा हम पांच साल से बर्दाश्त कर रहे बर्दाश्त कर रहे हैं। सब जे का जो मन मार हमका गरिया रहा है हमका कोस रहा है बच्चा लेकिन 11 दिसंबर का जो रिजल्ट आए एक कौनो कांग्रेसी नेता को हमका कुछ नहीं बोल रहा हमका बेगुनाही का सबूत मिल गया सर्टिफिकेट मिल गया बच्चा अब सब जो है विपक्षी नेता लोग रजाई में के हैं अब सामने या नहीं आ रहा अब आज से हम स्वच्छ हो गए गंगा साफ हो गई अब बच्चा हम जा रहे हैं, हम जा रहे हैं बच्चा गंगा नहावे और प्रसाद चढ़ावे बोलो सियावर रामचंद्र की जय अभी मैंने क्या किया अपनी बॉडी से बात किया हमने कही जो शरीर है ये शरीर के अंदर पूरी एक दुनिया होगी और अंदर शायद इनकी रिश्तेदारी होगी आपस में इनकी मीटिंग होती होगी जितने वेन्स हैं जितनी नसें हैं जितनी हड्डियां हैं आप जब कोई कार्य करते हैं तो अंदर क्या रिएक्शन होता है आप कुछ भी जो सबसे पहले करते हैं तो सबसे पहले खबर होती है ब्रेन को ब्रेन अंदर, अंदर बताता है कि क्या होने वाला है मान लीजिए आपने गर्म गर्म कॉफी का ऑर्डर दिया तो ब्रेन ने अंदर बताया सुनो गरम गरम कॉफी आने वाली अरे यार इतनी गरम क्यों पीता है हड्डी थोड़ा बगल हो जा, बगल इतनी गरम-गरम पी रहा है सत्यानाश जाए इसका आप कुछ खाना खाके आ गए पार्टी से कुछ तीखा कुछ स्पाइसी खाके आ गए अब पता चला चला जीव उसकी हालत खराब अंदर क्या बातें होंगी खुद फोकट का खा के आ गई कहीं से खुद तो अभी शीशी करके शांत हो जाएगी हमको सुबह तक बर्दाश्त करना पड़ेगा और कभी कभी इसके स्पाइसी इस होने से परेशान होने से ये बत्तीस दांत क्या कहते होंगे ए जीप जब हजम नहीं होता तो क्या खाकर आती है हैं तेरी एक की वजह से हम बत्तीस लोग परेशान हो रहे हैं पता है हैं कुछ भी खाके चली जाती है कितना डिस्टर्ब कर रही है हम लोगों को तेरी वजह से हम बत्तीस लोग जो है ठीक से चैन की चैन से बैठ नहीं पा रहे हैं जीप पल

मेरे मुंह नहीं लगने का मेरे मुंह नहीं लगने का अपने देश में एक चीज कमाल है जो लोग कचरा करते हैं गंदगी फैलाते हैं पान खाया पीक कर दिया मसाला गुटखा खाया कहीं भी थूक दिया समोसा खस्ता खाया पत्ता कहीं भी फेंक दिया वो लोग पूछ रहे हैं अच्छे दिन कब आएंगे मैं कह रहा हूं बेटा अच्छे दिन तुम्हारी वजह से नहीं आ पा रहे हैं तुम तो सुधरो पहले क्या बात है अभी आज तक चैनल पे बीच में न्यूज भी देख के आ रहा हूं मैं ऊपर से अपने यहां जो होता है कमाल होता है अभी अभी की न्यूज है पूरी साहब अभी की न्यूज देख के आ रहा मैं आज तक पे आ, वो हमारे एंकर पूछ रही थी राबड़ी देवी से कि आज गांधी जयंती है आप क्या कहेंगी गांधी जी को शुभकामनाएं देंगे और क्या यह सच्ची सच्ची नहीं अभी देखा मैंने शायद लाल बहादुर शास्त्री जी को भी शुभकामनाएं दे रही होंगी दीर्घायु की तो जो कुछ अपने यहां होता है कमाल होता है और मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छता अभियान मिशन के लिए अपनी टीम में मुझे भी जगह दी मुझे शामिल किया मैंने इस चीज को बहुत गंभीरता से लिया है और जहां भी जिस शहर में जाता हूं चाहे फंक्शन हो चाहे शादी हो या वैसे जाना होता है मैं उस शहर में जाके हाथ में झाड़ू लेके सफाई जरूर करता हूं इस क्रम में अब तक मैं बारह तेरह चौदह शहरों में इसको मैं निरंतर करते जा रहा हूँ और मैं कोई गायक नहीं हूँ सिंगर नहीं हूँ आज तो अच्छे अच्छे सिंगर आए अरे आप लोग हैं अभी तक अच्छा कैसे दादा ठीक है अच्छा। तो मैं मैंने भी ये चूंकि मैं गायक नहीं हूं तो जो बात कहूंगा दिल से कहूंगा मेरे शब्द हैं मैंने आसान लफ्जों में कहा है क्योंकि मैं कॉमन लोगों के बीच घूमता हूं साधारण लोगों के बीच रहता हूं वहीं से निकला हूं मैं मैंने अपने शब्दों में हल्के फुल्के अंदाज में कहा है एक दम 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 लगा के जोर हैया स्वच्छ करो भारत लगेगा ना रुपया ए दम 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 लगा के जोर हैया स्वच्छ करो भारत लगे ना रुपया अपने अपने क्षेत्र से शुरू करो ये काम ना सोचो क्या दुनिया कहेगी क्या होगा अंजाम? अपने मन में ठान ले गंदगी न करेंगे खुद भी साफ सफाई करेंगे औरों से भी कहेंगे मोदी जी का सपना है ये देश भी तो अपना है मोदी का सपना तो है ये देश भी तो अपना है आओ मिलके हाथ पड़ाओ कहते राजू भैया दम 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 लगा के थैंक यू किसी सिंगर से कम नहीं गाया आपने जी किसी सिंगर से कम नहीं गाया आपने मेरा ऐसा ही है मैं सारी चीज भी भी मैंने कभी घमंड नहीं किया जो हंसे उसका घर बसे जो हंसे उसका घर बसे और जिसका घर बसे फिर पूछो कभी हंसे मलेरिया वाले मच्छर ने मलेरिया वाले मच्छर ने अपने बेटे से कहा मलेरिया वाले मच्छर ने अपने बेटे से कहा बेटा डेंगू का कोर्स कर लो उसमें कैरियर अच्छा है क्योंकि लोग तो सुधर रहे नहीं गंदगी करने करना है और डेंगू का साथ आजकल तो कमाल है मैंने नया शब्द सुना है डेंगी भी आई है तो ये मामला चल रहा है लेकिन क्या बताएं? अच्छा तो नहीं है लेकिन कॉमेडी हर जगह हो जाती है अभी मैं बिहार की बात कर रहा था ये बिहार की बाइट देख के मैं यहां नीचे आया अभी बीच में एक और न्यूज चैनल पे मैं देख रहा था वहां कुछ टीचर से बात की जा रही थी शायद आपने भी देखा होगा कि वहां क्या हालात हैं एजुकेशन को लेके इंग्लिश टीचर से एबीसीडी पूछा जा रहा था नकल करते हुए स्कूल में एग्जाम करते हुए आपने देखा होगा उसमें कॉपी पेरेंट्स पुलिस ने पकड़ा उतरो उतरो तो अपने लड़के को पर्ची दे रहे हो अरे नकल कर ले तो साल खराब हो जाएगा कर ले तो नकल साल खराब हो जाएगा वहां पूछा एक टीचर से पूछा देश के राष्ट्रपति कौन है ये सच्ची बात बता रहा हूं देश के राष्ट्रपति कौन है तो कह रही हैं कि राष्ट्रपति राष्ट्रपति पूछ रहे हैं अच्छा तो अपने देश के पूछ रहे हैं यही देश के जेमा हम लोग रहते हैं वही राष्ट्रपति तो अभी तो मरे हैं। अब्दुल कलाम अभी तो मरे हैं। अब नए कोई बनेंगे तब बताएंगे ना बताइए इंग्लिश इंग्लिश टीचर से उसने पूछा आपको एबीसीडी आती है अब एबीसीडी तो सबको मालूम है तो हमसे क्या पूछ रहे हैं हर एक को तो, तो मालूम है एबीसीडी एबीसीडी हमसे पूछ रहे हैं ये नहीं बता रहे एबीसीडी होता दो टाइप का एक बड़का एक छोटका तो ये तो बताइए कौन सा सुनेंगे <laughs> ये अपने यहां का हाल है अभी दोस्तों जैसे ही आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने मेरा नाम अनाउंस किया बनारस के घाट से स्वच्छता अभियान के लिए मेरे कुछ दोस्तों ने कहा मिठाई तो बनती है मिठाई लड्डू खिलाओ लड्डू खिलाओ लड्डू खिलाओ यार प्रधानमंत्री जी ने नाम लिया है लड्डू खिलाओ मैंने आजकल आपको पता है हर चीज मोबाइल पे अवेलेबल है मैंने मोबाइल पे मिठाई वाले को फोन किया उधर से आवाज आई लड्डू के लिए एक दबाएं <laughs> बर्फी के लिए दो दवाएं रसगुल्ले के लिए तीन दवाएं तो मुझे लड्डू लेना था एक दबाया फिर आवाज आई एक किलो लड्डू के लिए एक दवाएं पांच किलो लड्डू के लिए दो दवाएं और सौ किलो लड्डू के लिए तीन दवाएं तो गलती से मैं से तीन दब गया अरे अरे तीन दब गया अरे रे सौ किलो तो नहीं चाहिए तीन काटो यार मैंने कट किया फोन रख दिया मैंने क्या फर्क पड़ता है उसको कौन सा एड्रेस मिल गया लेकिन मोबाइल वाले कॉल बैक आया सौ किलो लड्डू का ऑर्डर था वो लड्डू रेडी है कहा भेजना है हमें हम, यहाँ से फोन नहीं किया हमारे से फोन नहीं किया नहीं नहीं, नहीं आप ही यहाँ से फोन आया है सौ किलो लड्डू के लिए एक्चुअली क्या है हम लोग सात भाई हैं हम लोग सात भाई हैं तो पता नहीं किसने फोन किया है। तो सातवें वाले से बात करने के लिए एक दबाएं छठे वाले से बात करने के लिए दो दबाएं इतना बोला फोन कट